हमारे भी मूवमेंट में कुछ ऐसे ही हुआ, इसका बाजारीकरण हो गया। चाहे मंचा सीन कलाकार हो, उसने भी इस मिशन को सोचा कि बस मैं इस बोलने गाने माध्यम से अपने आप को भर लूं। उसे कोई किसी विचारधारा से कोई लेने, बहुत सारे लोग आए, बड़ी बड़ी मोटी रकम वसूल करने लगे कि बाबा साहब के नाम पे गुज्जर कैसा है धंधा कर बैठे, पावन पवित्र स्वच्छ मिशन को देखो ये गंदा कर बैठे। पहले गैरों ने लूटा था, अब अपने ही लूट रहे, आने जाने और खाने पीने का पैसा मोटा कूट रहे। कि बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन पूरे भारत में सरकार तुम्हारी आएगी, पाखंड चूर बुध में पूरा भारत जब नीला नीला चमकेगा, यानी कि समानता का प्रतीक। पाखंड चूर बुध में पूरा भारत जब नीला नीला चमकेगा, तभी तैयार हो। ये फोटो तेरे भीमराव की, ये फोटो मेरे भीमराव की, ये फोटो हम सबके भीमराव की, इन सारे नोटों पे छप जाएगी। तभी उन महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जिन्होंने समय समय पर आकर समस्त देश समस्त दुनिया को मानवता का एक पाठ पढ़ाया, मानवता का संदेश दिया। मेरे समक्ष बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी और मंच पर मंचासीन सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। मैं अभी देखो कितनी अच्छी बात है, रखी है बिस्लरी की बोतल है ना, ये एक बार दिखाओगे, ये कितनी पीने के बाद में कितनी एक अतुलनीय सा एक एहसास होता है हमको, एकदम ठंडा ठंडा। एक समय था कि जब पानी, ये छोड़ो गंदे तालाब का भी पानी नहीं पी सकते थे, व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था को बाबा साहब ने ऐसा चकनाचूर किया कि ये आज बिस्लरी का बोतल का पानी पी रहे, बाबा साहब की देन है। 1927 की वो महार क्रांति याद करो। तो चार पंक्तियाँ देता हूँ और आप लोगों के बीच में पहुँचता हूँ, समय का भाव है, मैं भी अपनी बात छोटे उसमें रखूंगा कि पानी पीना हो, अरे पानी पीना हो या समान जिंदगी का जिसने दिया हमको अधिकार, यूपी दिल्ली भारत छोड़ो दुनिया में उसकी जय जयकार, अरे यूपी दिल्ली भारत छोड़ो दुनिया में उसकी जय जयकार। अरे झुग्गी झोपड़ छुड़वा दी, अरे झुग्गी झुग्गी झोपड़ छुड़वा दी, अब तो है महलों में घरवार, प्रथम वंदन उस विश्वरतन को, अरे प्रथम वंदन उस विश्वरतन को, दूजा आप सभी को जय भीम और प्यार भरा मेरा नमस्कार। देखो मैंने वो शेयर भी किया, हालांकि बहुत सूक्ष्म से उसमें शेयर किया था, तो मैं बस यही कहूंगा कि बताने को तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि यदि समाज को 50% अपने आप को उभारना है तो इस दारू का साथ छोड़ दो। और मेरी महिलाओं से अपील है कि अपने घरों में उन दारू पीने वालों का इस तरह से इलाज कर दो कि वो तुमसे तुम्हारे सामने ना टकराए, तुम्हारा डर हो। के बाबा साहब की हर एक तमन्ना, अरे बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी, अरे बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी। अगली पंक्ति में देखता हूं कि आप बाबा साहब को कितना मानते हो। बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ बल्कि आपके आत्मविश्वास का अनावरण हुआ है। कि बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन पूरे भारत में सरकार तुम्हारी आएगी। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को सरकार चाहिए ही नहीं, अभी भी हाथ खामोश है। कि बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन पूरे भारत में सरकार तुम्हारी आएगी, पाखंड चूर बुध में पूरा भारत जब नीला नीला चमकेगा, यानी कि समानता का प्रतीक। पाखंड चूर बुध में पूरा भारत जब नीला नीला चमकेगा, तभी तैयार हो। ये फोटो तेरे भीमराव की, ये फोटो मेरे भीमराव की, ये फोटो हम सबके भीमराव की, इन सारे नोटों पे छप जाएगी। कि मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, कोई बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे पढ़ता हूं कि ना चाहूं धरती ना ही आसमान चाहिए। देखो जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं, आज ये रोजगार सभी को नहीं मिल सकता, मेरी आपसे एक अपील है कि 12th के बाद में एक क्वालिफिकेशन होती है BA+ LLB की,
वो जरूर कर लेना। ज़्यादा भी ना तो किसी कोर्ट कचहरी में स्टॉल और मेज लेकर बैठ तो जाओगे, वकील होगे, कानून की जानकारी होगी, खुद का भी करोगे और समाज को भला करोगे। तो कानून की जानकारी हमारे समाज को होनी बहुत जरूरी है। कि ना चाहूं धरती ना ही आसमान चाहिए, अरे ना चाहूं धरती ना ही आसमान चाहिए, मुझे तो दिलों में सबके गौतम बुद्ध भगवान चाहिए। रे ना चाहूं धरती ना ही आसमान चाहिए, मुझे तो दिलों में सबके गौतम बुद्ध भगवान चाहिए। और अरे लगे ये देश फिर से सम्राट अशोक का है, अरे लगे ये देश फिर से सम्राट अशोक का है। इसके लिए हाथ में सबके भीम का संविधान चाहिए। बाबा साहब ने मिशन दिया था, लेकिन मिशन का बाजारीकरण हो गया। जब किसी विचारधारा का व्यवसायीकरण हो जाता है तो फिर वो विचारधारा नहीं रहती, फिर तो वो नफे और लाभ का एक हिस्सा हो जाता है। तो हमारे भी मूवमेंट में कुछ ऐसे ही हुआ, इसका बाजारीकरण हो गया। चाहे मंचासीन कलाकार हो, उसने भी इस मिशन को सोचा कि बस मैं इस बोलने गाने माध्यम से अपने आप को भर लूं। उसे कोई किसी विचारधारा से कोई लेने, बहुत सारे लोग आए, बड़ी बड़ी मोटी रकम वसूल करने लगे। भाई ठीक है, एक संतुलित धन आपको दे देंगे, लेकिन ये नहीं कि एक मंच के माध्यम से बोल के गए और मोटी मोटी रकम लेके चले गए। तो मैं एक चार पंक्तियां देता हूँ कि बाबा साहब के नाम पे कुछ जन कैसा ये धंधा कर बैठे, पावन पवित्र स्वच्छ मिशन को देखो ये गंदा कर बैठे। पहले गैरों ने लूटा था, अब अपने ही लूट रहे, आने जाने और खाने पीने का पैसा मोटा कूट रहे। तो ये मेरा ये किसी व्यक्ति विशेष पर व्यंग नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि भी आ जाऊंगा, पता लगा 30,000 में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, 50,000 में गीतकार आ रहा है। और वो 30,000 भी कैसा हो गए, किसी ने भैया दूध बेच के दिए, किसी ने जो है घास बेच के दिए, कोई मजदूरी करके लेकर आया। तो ये संतुलन बना के रखना जरूरी है। कलाकार भी, कबीर साहब ने भी कहा कि ऐसा कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो साधु भूखा ना जाए कि बाबा साहब के नाम पे कुछ जन कैसा है धंधा कर बैठे, पावन पवित्र स्वच्छ मिशन को देखो ये गंदा कर बैठे। पहले गैरों ने लूटा था, अब अपने ही लूट रहे, आने जाने और खाने पीने का पैसा मोटा कूट रहे। तो पहली बार में इन लोगों को हाथ जोड़कर समझाओ, अपने समाज की गिरी हालत का एहसास इन्हें तुम करवाओ। अरे एहसास इन्हें तुम करवाओ कि समाज भी लाचार है। और मनुवादी की बात करूं क्या, लूट खसोट को अपना पहले तैयार है। अरे बुद्ध तुम करते हो, अपनी बुद्धि साकार करो। और ये ना माने प्यार की भाषा, जूते मारकर बाहर करो। एक छोटा सा मुखड़ा सुना के अपने जो है अपना स्थान लूंगा। बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म लिया था, जब हमारे समाज के पास में पर्याप्त संसाधन नहीं थे, हमारा समाज शिक्षित नहीं था, हमारा समाज पूरी तरह से जागरूक नहीं था। तब लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। लेकिन आज जब 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं और कोई कार्यक्रम करते हैं तो भीड़ उतनी देखने को नहीं।